सीतापुर नेपाल के बैराजों से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। मंगलवार को 5.5 लाख क्यूसेक पानी नदियों में छोड़ा गया। इससे गांजा क्षेत्र से निकलने वाली घाघरा खतरे के निशान को पार कर गई। वहीं गिरजा घाघरा बैराज से 2,77,497 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे घाघरा नदी अंगरौरा में खतरे के निशान को पार कर गई। यहाँ पर खतरे का जल स्तर 119 मीटर है। पानी छोड़े जाने के बाद यहाँ पर घाघरा खतरे के निशान को पार कर 119 मीटर पहुँच गई। वहीं शारदा बैराज से 18,03,480 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इसी तरह बनबसा बैराज से 1,02,797 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। वहीं इससे पूर्व सोमवार को करीब 8 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। लगातार पानी छोड़े जाने से गाजा क्षेत्र की तहसील बिस्वाई, लहरपुर तथा महमूदाबाद के बाढ़ इलाके के गांव की स्थिति काफी दयनीय है। अब तो गांव के गांव खाली हो गए हैं। लोग ऊंचे स्थानों को लेकर सड़कों पर डेरा डाल दिए हैं, जिसके चलते बीती रात को आसाम हाईवे बंद कर दिया गया था, क्योंकि आसाम हाईवे पर लोगों ने तंबू तान दिया है। कोई घटना ना हो जाए इस खातिर हाईवे पर आवागमन को रोक दिया गया था। वहीं प्रशासन पूरी तरीके से सजग हो उठा है, लोगों को तरह तरह से राहत देने की तैयारी में जुट गया है। डीएम मनोज सिंह तथा एसपीए एडीएम समेत प्रशासनिक अधिकारी लगातार बाढ़ क्षेत्र में कैंपिंग कर रहे हैं। पल पल पर नजर लगी हुई है। राहत सामग्री भी वितरित की जा रही है। देखिए, कल घाघरा में जलस्तर अपने मैक्सिमम पर पहुंच गया था। लगभग 5.5 लाख क्यूसेक पानी कल घाघरा से होते हुए निकला है, और इसके साथ ही साथ शारदा में भी तकरीबन 2 लाख क्यूसेक के आसपास पानी पहुंच गया था। इससे हमारे 3 जो तहसीलें हैं, लहरपुर, बिस्वा और महमूदाबाद, इन तीनों में हमारी कुछ आबादी प्रभावित हुई थी बाढ़ से। हमारे टीमें लगातार उस पर नज़र बनाई हुई है। हमारे राजस्व की टीमें, हमारी फ्लड पीएसी, हमारे पुलिस के जितने भी हमारे उसमें लगे हुए अधिकारी हैं, इसके साथ ही साथ स्वास्थ्य की टीम और पशुपालन की टीम, सभी लोग वहाँ पे मुस्तैद थे और तत्काल वहाँ पे इवैक्यूएशन का कार्य किया गया। जितने भी इस तरीके के लोग थे जो फंसे हुए थे, उनको निकालने का कार्य किया गया। उसके बाद फिर वहाँ पर राहत वितरण का भी कार्य कल भी हुआ था, आज भी हम इसको लगातार कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो पशु हैं उनको भी ऊँचे स्थल तक पहुँचाने का काम और भूसा वितरण इत्यादि का काम उसमें चल रहा है, और लगातार रिलीफ वर्क हम जारी रखे हुए हैं। जलस्तर कल से आज काफ़ी घटा है, लगभग 1.5 से 2 लाख क्यूसेक पानी घाघरा में अब फ्लो में कमी आई है। इसके साथ ही साथ शारदा में भी अब पानी में कमी आ रही है, तो पानी अब रिसीड कर रहा है, अब उसका जलस्तर अब आगे बढ़ नहीं रहा। इससे अब हमें राहत, और बारिश भी अब रुकी हुई है, तो अब राहत पहुँचाने में हमें काफ़ी आसानी भी हो रही है। हम सभी स्थिति पर लगातार हम अपनी नज़र बनाए हुए हैं, और लगातार हम रिलीफ वर्क करेंगे, कहीं से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए।